हाँ तो गाइस क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं रिवाइव फिनिक्स का रिव्यू। ये है पता नहीं बी वाई ब्रांड से, फ्लेम ब्रांड का नहीं है गाइस, बी वाई ब्रांड का ये। और भाई इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। अरे पूजा शीशा खुल गया गाइस, पूरा ही खुल गया। हमको इसकी जरूरत है बस, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। और स्टिकर्स अच्छे वाले तो हैं बट ज़्यादा मुश्किल वाले हैं। हाँ चलो रखते हैं साइड में इन सबको। तो ये है भाई लो बेब्लेड, बेब्लेड। अरे यार इसमें तो लॉन्गिनस वाला वो मिलता है क्या यार, कभी ढंग का कुछ नहीं दे सकते ये। ये फेक है गैस, फेक नहीं मतलब ओरिजिनल कॉम्बो नहीं है ये। और ये निकलता है या नहीं निकलता? हाँ निकलता है गैस, ये रिंग निकलती है इसकी, तो ये अच्छी बात है। चलो फेक है बट काम करता है गैस एक टाइप से। चलो ये इसका मैकेनिज्म है कुछ, ये अलग हो जाती है इसकी लेयर, जैसे प्रोमिनेंस फिनिक्स में देखा होगा वैसे ही सेम सी है ये। अभी लॉन्च करके दिखाता हूँ। ओह ये अटैक टाइप है, पता नहीं क्यों है बट अटैक टाइप है। ओके तो भाई ये कुछ ऐसे है। अब मैं इसका स्टिकर्स लगाता हूँ। हाँ और जब तक मैं स्टिकर लगाता हूँ भाई, तब तक हमारे फ्री स्टाइल ब्लेडर हिंदी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। उनकी वीडियो स्पॉन्सर्ड है, मतलब उन्होंने स्पॉन्सर की है वीडियो, तो जाके यार सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ उनको। वो भी बेब्लेड का ही कंटेंट बनाते हैं कुछ, बेब्लेड ऐप के हिसाब से, और बेब्लेड अनबॉक्सिंग भी करते हैं, बेब्लेड फाइट भी करते हैं, और QR कोड्स का भी वो प्रोवाइड करते हैं शायद। तो ठीक है जाके सब्सक्राइब जरूर करो यार चैनल को। अभी इसके स्टिकर्स लगा के मिलते हैं। ओके गाइस तो अभी स्टिकर्स लग चुके हैं, और कुछ ज़्यादा खास स्टिकर्स थे नहीं इसमें, ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू ही थे और कुछ नहीं था इसमें। तो अभी कुछ फाइट कर लेते हैं। पहले एक बेब्लेड लिया है मैंने एवोल्यूशन सीरीज का, उससे ही कर लेते हैं। ओके 3 2 1 अरे चचा थोड़ी देर फाइट कर लो भाई, ऐसे ही भागने को चले हो। 3 2 1 ओहो पहली फाइट में हारते हुए। अभी मैं कुछ करता हूँ, दोनों को एक साथ लॉन्च करते हैं गाइस, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके ओके 3 2 1 कम ऑन, रिंग निकलनी चाहिए। यह तो भाई रिंग निकली और ये बर्स्ट कर दिया यार, कमाल की बात है कि रिंग, सिर्फ रिंग निकली है और बर्स्ट हो गया बैटरी है। तो पावर अच्छी है गाइस रिवाइव फिनिक्स की, कोई फिनिक्स की कोई डाउट नहीं है इसमें। अभी कर लेते हैं टर्बो बेस से, क्योंकि ये टर्बो बेब्लेड है तो टर्बो बेस से ही करेंगे। गाइस स्ट्रैपनियर, गाइस स्ट्रैपनियर की बारी है। ओके 3 2 नहीं, हाँ अभी ठीक है 3 2 1 गाइस स्ट्रैपनियर हार जाएगा। गाइस स्ट्रैपनियर वो काफी बेब्लेड से हार जाता है, तो इससे भी हार ही जाएगा। नहीं हारेगा भाई, नहीं हारेगा या फिर हार जाएगा, क्या लगता है गाइस कमेंट करो इसी वीडियो में। हार गया भाई, एक और बैटल कर लेते हैं, इस बार थोड़ा सा ज्यादा तेज कर लेंगे। लॉन्च 3 2 1 कम ऑन रिवाइव फिनिक्स अल्ट्रा मोड। अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी डेड फिनिक्स पे, डेड फिनिक्स। ओ भाई पॉइंट टेबल में हो गए हैं एक एक की बराबरी दोनों की, और अभी एक और बैटल करनी पड़ेगी इसी की वजह से। 3 2 1 सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही क्लोज रख दिया इनको। और गाइस अरे शिट बट डल जा, हाँ ठीक है, बड़ा हार्ड है यार लॉन्च करना। तो ये लास्ट फाइट होगी इन दोनों की, डिसाइडिंग बैटल हो जाएगी। 3 2 1 भाई अब इसके दिक्कत हो गई गाइस, क्या सीन चल रहा है इनका, खेलना है नहीं खेलना या मैं छोड़ के चला जाऊं। 3 2 1 ओ बेस्ट लॉन्च हुआ इस बार। क्या लगता है, मेरे को लगता है भाई क्या कहते हैं गाइस फेफनियर जीत जाएगा। हाँ तो गाइस फेफनियर के 2 पॉइंट थे, ठीक है अभी करते हैं इससे। अखिलेश वशिष
रिवाइव, जो मेन कैरेक्टर है, दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं, ये डार्क मेन कैरेक्टर है, वो क्या कहते हैं उसको, ब्राइट मेन कैरेक्टर है, आइगर वसीस, पता नहीं क्या नाम था। और मुझे लगता है भाई आराम से जीत जाएंगे, अखिलेश आराम से जीत रहा है। फिर से करेंगे, एक और बैटल करेंगे। 3 2, पहले मैं अखिलेश को लॉन्च करता हूँ यार, थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं। ओ भाई स्पीड देखो यार इसकी, तो भाई सिंगल लॉन्च में स्पीड काफी तेज आती है, ये तो कंफर्म है। और मैंने बैकग्राउंड फिर से ओल्ड वाला ले आया हूँ मैं, क्योंकि यही बेस्ट था भाई, तो ओल्ड बैकग्राउंड आ चुका है। और रिवाइव फिनिक्स हार चुका है इससे भी, तो टर्बो अखिलेश जीतता है। अभी अभी करते हैं, अभी यार मेरे हाथ बिजी हो गए हैं वो वाले। चलो लेफ्ट हो जा भाई फिर से। अरे यार लेफ्ट लेफ्ट, स्पिगन को लेफ्ट ही करेंगे, लेफ्ट से ही रहता है स्पिगन। ओके 3 2 1, 3 2 1, कम ऑन। रिंग नहीं निकली भाई, एक बार निकली है रिंग बस, उसके बाद रिंग नहीं निकली इसकी, वो निकल गई, कहते ही निकल गई। ओ भाई रिंग ने तो रिवाइव फिनिक्स को ही उड़ा दिया यार, इतने अटैक किए इस रिंग ने खुद के ऊपर ही। बट फिर भी जीत सकता है वो भाई, जीत गया गाइस, जीत गया भाई, मिली सेकंड से जीता है बट जीत गया। देखो यार कमेंट में ये मत कहना कि ये जीता है स्प्रिगन, क्योंकि मेरी आंखों से मेरे को ये लगा जीतता हुआ, और मेरे ख्याल से जीता भी है ये। ओके, एक एक पॉइंट की बराबरी हो चुकी है शायद, या फिर एक एक पॉइंट ही हुआ है, एक एक पॉइंट ही हुआ गाइस। अबे चचा रुको, 3 2 1, 3 2 1, लॉन्चर छूट गया हाथ से, लास्ट ट्राई करते हैं। कम ऑन कम ऑन, अभी फिर से निकलेगी रिंग, रिंग फिर से निकलेगी, निकलनी चाहिए नहीं तो हार जाएगा, रिंग निकल गई तो जीत जाएगा, पता चल जाएगा अभी। हाँ हार गया यार, ये तो अलग ही सीन चल रहे हैं, कभी हार रहा है कभी जीत रहा है, कभी क्या कर रहा है कभी क्या कर रहा है। ओके, एक एक पॉइंट की बराबरी हो चुकी है अभी। हाँ 3 2 1, 3 2 1, ऑन, रिंग 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 भाई, कितना 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 टेढ़ा लॉन्च किया मैंने, ज्यादा ही टेढ़ा लॉन्च कर दिया मैंने। इसमें जो जीतेगा वो विनर होगा, और मेरे ख्याल से अखिलेश विनर है, अखिलेश नहीं स्प्रिगन विनर है। नेक्स्ट है टर्बो वेलक्री। ओके जीत गया, थोड़े से एक पॉइंट, एक सेकंड से जीता हुआ, एक मिली सेकंड से, मिली सेकंड ही सही बट जीत गया। ओके गाइस अभी करते हैं टर्बो अखिली, टर्बो वेलकरी से, 3 2 1, कम ऑन भाई, दोनों ही अटैक टाइप है, और मेरे को नहीं लगता वेलकरी को ये हरा भी पाएगा, कोई चांस ही नहीं है। हाँ ड्रेड फिनिक्स हरा सकता है भाई, ड्रेड फिनिक्स में पावर है और ज्यादा ही है, इसमें नहीं है, वेलकरी को नहीं हरा सकता भाई, वेलकरी के तो ब्लेड्स भी निकल रहे हैं, ड्रेड फिनिक्स में कोई ब्लेड्स नहीं है, बट इसमें ये वाली पावर है रिंग वाली। ऑन, ओ भाई स्पीड तेज है, मतलब स्पीड तो तेज होगी यार, इसका खुद का ड्राइवर थोड़ी है, और कम कर दी यार स्पीड। 2 टक्कर में वेलकरी ने खत्म कर दी इसकी स्पीड, तो भाई वेलकरी तो पूरा डोमिनेटिंग कर रहा है इसको, तोते से उड़ा दिए, पूरे ब्लेड्स खुले हुए भाई वेलकरी के, सोच सकते हो कितना तेज लॉन्च हो रहा है। अबे बर्स्ट हो गया था भाई, ओहो ब्लेड्स ने बचा रखा था वेलकरी को भाई, बर्स्ट हो गया था ये यार, भाई वेलकरी बच गया बस। ओहो बाहर से अंदर आया बट स्पीड गई सारी, अभी मुझे नहीं लगता जीत जाएगा। ओ भाई यार इस बेब्लेड की जो अटैक पावर है ना, बहुत ही डेंजरस है यार, बहुत ही डेंजरस, हिला देता। देखो रिंग भी निकल गई और फिर भी बंद ही हो गया, बिना रिंग के लड़के देखें, बिना रिंग के तो जीत ही जाएगा, करके देखते हैं फिर भी, एक और बैटल कर लेते हैं वैसे ही। सॉरी गाइस टाइम, अबे यार वो तो बर्स्ट ही हो गया, इससे कर लेते हैं अखिलेश से, बर्स्ट हो गया भाई नीचे गिरते ही। ओह भाई बहुत लाइट हो गया ये, बहुत ही ज्यादा लाइट हो गया, बट जीत जाएगा, नहीं जीतेगा।
बॉस कर दिया भाई। अरे रुको यार रुको, अरे कहाँ गया। हाँ तो अभी इसका वेट देख लेते हैं कितना है। हाँ यार वेलक्री बर्स्ट हो गया। वेलक्री क्या है ये, गत्ता फंसा हुआ इसके अंदर। ओके वेट देख लेते हैं बस लास्ट। आ जा भाई चचा इधर आओ। तुम तुम्हारी रिंग कहाँ है? वो री ये रही रिंग। मेरे ख्याल से इसका वेट होगा 40 के आसपास। 35 है भाई, 35। ओके ये है गाइस रिवाइव फिनिक्स। इसका बड़ा भाई आने वाला है डेड फिनिक्स, या डेड फिनिक्स जो भी कहते हैं उसको, बता दूंगा मैं बाद में क्या कहते हैं। ठीक है अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फ्री स्टाइल ब्लेडर को सब्सक्राइब कर लेना यार जरूर से जरूर। अभी के लिए बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।